शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भी रावण की तपस्या भंग करने में असफल रहा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, किंतु मैं अपने पुत्र पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे महादेव का सामना ही क्यों ना करना पड़े। कैसी ध्वनि है? पृथ्वी से आकाश की ओर जाती हुई बिजली की चमक, बिना भूकंप ये घोर गड़गड़ाहट, ये सब क्या है? कुंजर जी, पुत्र केसरी, जब संसार के दो महावीर योद्धा युद्ध करते हैं तो उन दोनों योद्धाओं के टकराने से सारी सृष्टि ही कांप उठती है। आप सत्य कह रहे हैं जावन जी, किंतु रावण की माया और चतुराई का सामना बाली कर पाएंगे या नहीं? हे प्रभु, धर्म और सत्य की रक्षा करना
दोनों के युद्ध ने तो सिस्टम हलचल मचा दी है। देवराज कुछ कीजिए, अन्यथा सृष्टि विचलित हो उठेगी। हम कुछ नहीं कर सकते देवो, कुछ भी नहीं कर सकते हम। नारायण नारायण, ये महाबली महावरदानी योद्धाओं की टक्कर है। इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ देवराज, क्योंकि रावण और बाली दोनों ही के पास अद्भुत शक्तियों का वरदान है, कोई भी इन्हें नहीं हरा सकता। किंतु यदि युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो धरती लोक पर बहुत हानि हो जाएगी। हाँ देवर्षि, देखिए ना, धरती लोक पर समस्त पहाड़ चट्टाने सभी अपने मार्ग से भटक चुके हैं। और ये सब इन दोनों की शक्तियों के टकराने के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। नारायण नारायण। हाँ देवताओं, ये बहुत बड़े संकट की घड़ी है। सही समय की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो बस प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि सत्य और धर्म की विजय हो। नारायण नारायण। हे प्रभु, धर्म और सत्य की विजय हो और अधर्म का नाश हो। मैं जानता हूँ आप रावण से युद्ध कर रहे हैं और आपको मिला हुआ वरदान रावण की चतुराई के कारण व्यर्थ हो रहा है।
किंतु उसे पराजित करना ही होगा। और ये तभी संभव है जब उसकी आदि शक्ति आपके अंदर आ जाए। आप गदा का प्रहार रावण पर ना करें, रावण पर ना करें, प्रहार कहीं और कीजिए बालिका का। ऐसे के साथ बहुत छल किया है। अब देख ये बाली तुझे इसका दंड कैसे देता है। देख नारायण नारायण। लगता है बाली अब रावण का अंत ही कर देगा। हाँ देवर्षि, यदि रावण का अंत हो जाता है तो इस पूरे संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। देवराज, भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। नारायण नारायण।
तुम्हें यान में बैठकर आकाश में उड़ने में बहुत आनंद आता है ना, आज मैं तुम्हें बिना यान के ही उड़ाऊंगा और ऐसा उड़ाऊंगा कि तुझे आकाश की ऊंचाइयों से डर लगने लगेगा, कांपने लगेगा तू। आज तू बाली की छलांग के साथ उड़ेगा। वानर के काख में दबे हुए तुम्हें आनंद तो आ रहा होगा। रावण, आज मैं तुझे ज्ञान देता हूं, इस जगत में किसी भी प्राणी को हीन नहीं समझना चाहिए। देख, तुझे तो अनेकों वरदान मिले हुए हैं, लेकिन एक वानर की काख में दबा हुआ है। रावण, ये तेरे बुरे कर्मों का ही परिणाम है कि तुझ जैसा महाज्ञानी, बलशाली, बलवान या ये दुर्दशा हो रही है। तूने मुझसे अबोध बालक मारुति को मरवाने का प्रयास किया था ना, जो हमारे कुल का गौरव है। आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू याद रखेगा। बाली काका, मैं जानता हूँ कि आप रावण का अंत कर सकते हैं। किंतु यदि आज रावण का अंत हो गया तो भविष्य के विधान का क्या होगा? काका, मैं जानता हूँ कि आप रावण का अंत कर सकते हैं। रावण का अंत हो गया क्या होगा? महाराज की दशा बिगड़ती ही जा रही है। हम जो उपचार कर सकते थे हमने कर दिया, किंतु क्या राजवैद्य, किंतु क्या? क्षमा करें राजमाता, महाराज का जीवन गिरती हुई रेत की तरह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है।